वेलकम बैक टू माय चैनल जय सुपरकार। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले एक पायलट सीरीज शुरू करी थी हैशटैग जागो ग्राहक जागो, जिसमें मैं मार्केट के इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांड्स नेम एंड रेपुटेशन, मैंने काफी सारी ब्रांड्स का मतलब काफी सारे प्रोडक्ट्स आपके साथ मार्केट के इंडियन मार्केट में कंपेयर किए थे कि किसमें केमिकल ज्यादा है कम है, कौन सा यूज करना चाहिए एंड नहीं करना चाहिए। और वो सीरीज आपको इतनी पसंद आई थी, इट वॉज जस्ट कि मैं देख रही थी आपको पसंद आती है। तो उसके बाद जब मैंने वो 3-4 एपिसोड जब कर लिए ना, उसके बाद से तब से रिस्पॉन्स और कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज जागो ग्राहक जागो जरूर बनाइए। और हॉट टॉपिक पे स्पेशली सनस्क्रीन्स पे बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, तो आई एम बैक विद हैशटैग जागो ग्राहक जागो सीरीज। और आज मैं सनस्क्रीन्स के बारे में आपको बताऊंगी, सनस्क्रीन्स इन इंडियन मार्केट हार्मफुल हैं या अच्छे हैं या नहीं है, सनस्क्रीन्स कैसे यूज करने हैं, क्यों यूज करने चाहिए, वो आप मेरे नए चैनल पे। जी हाँ, मैंने एक नया चैनल बनाया आप लोगों के प्यार और डिमांड से, जिसका नाम है सुपर ब्यूटी। आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसका बेल बटन भी क्लिक करें और बहुत सारा प्यार दें। मैं नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगी, उधर मैंने ईद मेकअप भी शेयर करा है, 2-3 वीडियोस मेरे अच्छे जा रहे हैं, तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बार में साथ में पिंड कमेंट में, जो कमेंट के सबसे नीचे पहला कमेंट होगा इस वीडियो के नीचे, वहां पर दे रही हूँ। प्लीज वहां पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो मेरे इस चैनल जे सुपरकॉर पे मैं यहां पर आपको बता दूंगी, मैंने काफी सारे सनस्क्रीन के वीडियोस बना रखे हैं, घर पे सनस्क्रीन कैसे बनाएं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहां पर। तो सनस्क्रीन जो है वो मेन दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है फिजिकल सनस्क्रीन, दूसरा होता है केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन, केमिकल सनस्क्रीन। केमिकल सनस्क्रीन की निशानी बता देती हूँ, जब भी किसी सनस्क्रीन के पीछे लिखा हो कि इसको 15 मिनट लगेंगे एक्टिवेट होने में, आप घर से निकलने धूप में जाने से पहले इसको 15 से 20 मिनट पहले लगाएं, तो वो केमिकल सनस्क्रीन है। और जो फिजिकल सनस्क्रीन है उस पे इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होगी, आप जब लगाओगे वो एक परत बना देगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देती हूँ, बिकॉज एज अ कंज्यूमर, एज एन अवेकंड कंज्यूमर, एक जागरूक ग्राहक के नाते आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जरूर पता होनी चाहिए। अब दोस्तों मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी, बट सनरेज में दो तरह की रेज होती है, यूवीए एंड यूवीबी। तभी हम कोई भी सनस्क्रीन लेते हैं उस पर पीए प्लस 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 होना चाहिए, ताकि वो यूवीए जिसको एजिंग रेज बोलते हैं, जो आपकी स्किन को बहुत जल्दी बूढ़ा कर देती है, यूवीए रेज से भी प्रोटेक्शन देती है और यूवीबी रेज से भी प्रोटेक्शन देती है। यूवीबी कौन सी होती है? बी ए से एजिंग और बी से बर्निंग, तो जो जलाती है, जिससे टैनिंग हो जाती है और स्किन झुलसने लग जाती है, तो हमें ऐसा सनस्क्रीन लेना है। अब केमिकल सनस्क्रीन की बात करूं तो गुड केमिकल, जो भी बैड केमिकल वाली बात बताई, तो जैसे केमिकल एक होता है ऑक्सीबेंजोन, ये सब केमिकल्स होते हैं जो आप मॉइस्चराइजर के ऊपर लगाते हो, तो वो लगाने के बाद आपको जो सूर्य की किरणें हैं वो ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करती और हार्म नहीं करती, ठीक है। तो ये केमिकल सनस्क्रीन का काम होता है। तो मैं आपको कहूंगी कि केमिकल सनस्क्रीन हम यूज कर सकते हैं, बट ये है कि ज्यादा उसमें टॉक्सिक केमिकल्स ना हो। मतलब अगर आपके ऑक्सीबेंजोन जो भी केमिकल सनस्क्रीन के लिए डाले गए हैं वो अगर डले हैं, साथ में ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स नहीं है, तो वो आप यूज कर सकते हो। लोटस है, लैक्मे है, पॉन्ड्स है, न्यूट्रोजीना है। तो मेडिकेटेड सनस्क्रीन मैं इतना सजेस्ट नहीं करूंगी, वो डॉक्टर्स भी लिख के देते हैं मेडिकेटेड में, आप देखेंगे कई डॉक्टर्स ने भी वीडियो बना रखा है ऑनलाइन यूट्यूब पे कि ये मैं नहीं सजेस्ट करूंगी। मेडिकेटेड सनस्क्रीन सिर्फ एक चोंचला है, उसमें भी वही ऑक्सीबेंजोन एंड एवरीथिंग होता है, तो ये बेकार की बात है। तो डोंट गो फॉर, आप पागल मत बने, क्योंकि नॉर्मली आपको सनस्क्रीन अगर 200-300-400 रुपए तक का मिल रहा है, मेडिकेटेड वाले सीधा 600-700-800 रुपए के हैं, तो आप अपना हार्ड अर्न्ड, अपना इतना मेहनत से कमाया पैसे ऐसे मत गवाएं। अब फिजिकल सनस्क्रीन कैसे काम करते हैं, आपने कभी देखा है जो क्रिकेटर्स होते हैं जो खेलते हैं वो व्हाइट व्हाइट पाउडर लगाकर आए होते हैं ना, हम बचपन में, मैं बड़ा मजाक, मतलब सभी मजाक उड़ाते थे कि ये क्या व्हाइट व्हाइट लगाकर आए, वो फिजिकल सनस्क्रीन लगाकर आते हैं। फिजिकल सनस्क्रीन क्या होता है, आपकी स्किन पर एक लेयर बना देता है, जिससे जो सूर्य की किरणें सनरेज आपकी आती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, आपकी स्किन में पेनिट्रेट नहीं करती। तो मेरे को पर्सनली, देखो अगर आप जेसुपा को और से पूछेंगे, तो मेरे को पर्सनली फिजिकल सनस्क्रीन बहुत ज्यादा पसंद है, बट मैं मार्केट में गई और इतने सारे सनस्क्रीन उठाकर ले आई आप लोगों के लिए। इंडियन मार्केट में मिलने वाले सनस्क्रीन को मैंने 3 कैटेगरीज में बांटा है एक्चुअली, और आपको मैं कुछ ऑप्शन दे दूंगी, तीनों ही कैटेगरी के सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है, आपकी समझदारी के ऊपर है कि इस वीडियो के बाद आपको कितना समझ आता है। और साथ में एक 4th कैटेगरी में स्पेशल देने वाली हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहना और पूरा वीडियो देखोगे ना यार, तभी ये वीडियो समझ आने वाला है, ऐसे स्किप कर कर देखोगे तो कोई फायदा नहीं है, आप ही की मर्जी है, आप ही के काम की और फायदे की बात। चलिए, बहुत सारी बातें और बहुत सारा ज्ञान मैंने आपको दे दिया, अब मैं आपको प्रैक्टिकली वो वाले सनस्क्रीन दिखा देती हूँ, फिजिकल भी और केमिकल भी और कुछ हर्बल भी, जो भी आप बिना केमिकल के भी, क्या है क्या नहीं है वो सारा मैं अब आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ। तो ये इंडियन मार्केट से मैंने कुछ सनस्क्रीन लिए हैं ऑनलाइन, और लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। ये है पॉन्ड्स का सनस्क्रीन,
पॉन्ड्स, लैक्मे, लोटस, एवर यूथ, ईबा हलाल, टीन इलिशियस, लोटस, मैंने ऑलरेडी न्यूट्रोजीना का भी यूज़ कर रखा है और निविया का भी यूज़ कर रखा है, तो ये सारे कैटेगरी वन में आते हैं, जिसको मैं इतना बुरा नहीं बोलूँगी, आई विल नॉट से कि इतने बुरे हैं, बट येस इसमें ये सारे केमिकल सनस्क्रीन हैं, इसमें केमिकल के अलावा कुछ टॉक्सिक केमिकल्स भी डाले गए हैं, लेकिन मैं इनके खिलाफ इतना एज सच इसलिए नहीं हूँ बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप हमेशा सनस्क्रीन अपने डायरेक्ट बेयर फेस पे नहीं लगाते हो, आप मॉइस्चराइजर के बाद लगाते हो, तो एक लेयर ऑलरेडी आपके फेस पे होती है, और लैक्मे वगैरह ये ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं, तो सनस्क्रीन में मैं कह सकती हूँ, क्योंकि सनस्क्रीन का मेन अगर आप केमिकल सनस्क्रीन लगा रहे हो तो वो केमिकल से ही प्रोटेक्ट कर रहा है आपको एट द एंड ऑफ द डे, तो ये डेफिनेटली। और इसमें कुछ आप देख रहे होंगे जेल सनस्क्रीन्स हैं, कुछ मैट सनस्क्रीन्स हैं, कुछ क्रीमी सनस्क्रीन्स हैं, अब अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जेल सनस्क्रीन मार्केट में बहुत है, पॉन्ड्स का ये नया वाला है, इसमें से किसी भी सनस्क्रीन का आप रिव्यू चाहते हो तो मैं अपने नए चैनल सुपर ब्यूटी पे डेफिनेटली उसका करूंगी रिव्यू, आप नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ हैं क्रीमी सनस्क्रीन्स जो कि ऑयली स्किन के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम थोड़ी चलाकी वाली कैटेगरी टू पे, जो चलाकी वाली ब्रांड्स हैं ये बुरी नहीं है, मुझे बायोटिक तो अच्छी लगती है, लेकिन द थिंग इज ये चलाकी करती है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स बताती नहीं है, और हर्बल अपनी ऑर्गेनिक ब्रांड कहने के नाते ये अपने पैसे बढ़ा लेती हैं और जनता को बस शो करती हैं कि हमारा तो भैया कोई केमिकल ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये अपने 20-30% इंग्रेडिएंट्स ही बताती हैं, जैसे बायोटिक का सैंडलवुड है, कैरेट वाला भी है, ये ग्रीन बेरी ऑर्गेनिक्स है, ये SPF 40 वाला है, ये हालांकि स्प्रे फॉर्म में है, तो स्प्रे में भी आता है जेल, क्रीम और स्प्रे, तो ये अपना इन्होंने कीवी एक्सट्रैक्ट डाल रखा है। अभी मैं आगे आपको जोवीज का दिखाऊंगी, उसमें इन्होंने लिकरिश जिसको मुलैठी बोलते हैं, जो स्किन वाइटनिंग में बहुत काम आती है, इंडियन आयुर्वेदिक हर्ब है, तो ये चीज़ें डाल के ना इन्होंने पैसे बढ़ा दिए हैं, और बोल दिया जनता को, ये बोलते हैं जी केमिकल नहीं है हमारे सनस्क्रीन में, ऐसा कुछ नहीं है, इनका भी केमिकल सनस्क्रीन है, क्योंकि इनके पीछे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि लगाने के बाद आप 15-20 मिनट के बाद आप धूप में जाएं, तो ऑब्वियसली यार फिर ये ना, इसलिए मुझे कैटेगरी टू ओके लगती है, इनफैक्ट इनसे अच्छे तो कैटेगरी वन है, जो एटलीस्ट मुंह पे बोल तो रहे हैं ना। एनीवे थर्ड कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ये मेरी सुपर फेवरेट कैटेगरी है, इसमें खादी नेचुरल्स, अरोमा मैजिक और तिजोरी को मैंने फीचर किया है। दोस्तों ये वीडियो किसी भी ब्रांड के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, अगर होता तो मैं डेफिनेटली मज़े से आपको बताती। ये सारी जो मेरी कैटेगरी है ये मेरी फेवरेट कैटेगरी इसलिए है क्योंकि ये फिजिकल सनस्क्रीन्स हैं, फिजिकल सनस्क्रीन्स में बेसिकली जिंक ऑक्साइड होता है जो कहते हैं ना वाइट कास्ट देता है, बट ये कंपनीज ना झूठ नहीं बोलती, एक तो ये इंग्रेडिएंट्स बताती हैं, 225 रुपए के हैं ब्रांड, आई मीन ज़्यादा आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ते। हाँ रीअप्लाई अगर आपको फिजिकल सनस्क्रीन रीअप्लाई करना है ना तो आपको रीअप्लाई फिर केमिकल सनस्क्रीन भी करना पड़ता है, इसमें घृत कुमारी, एलोवेरा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। एक मैं तिजोरी का भी आपको बताना चाहूँगी, अगर आपकी जेब पे वारा खाता है, ये 750 रुपये का है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक सनस्क्रीन है, सिर्फ और सिर्फ इसमें मेन जिंक ऑक्साइड, एलोवेरा, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, SPF 50, तो अगर जेब पे करता है अलाउ तो मैं इसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बार में, खैर मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स तो डिस्क्रिप्शन बार में दे ही दूंगी, आपको जो पिक एंड चूज करना है डायरेक्ट लिंक दे रही हूँ, वहाँ से डायरेक्ट उधर ही पहुँच जाएंगे। एक कैटेगरी में अगेन मेरी फेवरेट ब्रांड है अरोमा मैजिक ब्लॉसम कोचर, ये डायरेक्ट ये नॉन नैनो, इसमें जिंक ऑक्साइड्स होते हैं, क्लियरली बताते हैं कि क्या है प्रोडक्ट में, क्या डाला गया है, क्या नहीं डाला गया, तो ये SPF 20, 30, 40, 50 में तीनों में आता है, इसमें जेल बेस्ड भी आता है, बहुत तरह तरह के आते हैं इसमें ऑल स्किन टाइप्स के लिए, और 200-250 रुपए के अंडर आपको ये सनस्क्रीन आराम से मिल जाएंगे, तो आप मेडिकेटेड और जितने भी स्पॉन्सर्ड जबरदस्ती के वीडियोस आप पर प्रोडक्ट्स थोपे जा रहे हैं कि यही अच्छा, आप उसमें ना पड़े, आप जागो ग्राहक जागो, अपनी अक्ल लगाओ, आप देखिए मैंने आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया, आपको जो ठीक लगता है आप वो यूज़ करिए, क्या जरूरत है आप 700-800 रुपए के मेडिकेटेड खरीदो, और काम भी वो यही कर रहा है तो आप रीअप्लाई भी करेंगे, तो बेटर है कि आप ये वीडियो देखकर अपने दिमाग में कैटेगरी 1, 2, 3, 4 अपने जेब के हिसाब से खरीदें। श्योर आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि जो फिजिकल सनस्क्रीन होते हैं ना जिंक ऑक्साइड वाले, उसमें वाइट कास्ट आ जाती है, चेहरा वाइट होने लग जाता है, तो उसका हल भी है मेरे पास, मैं अपने नए चैनल सुपर ब्यूटी पे मैं बार बार शाउट आउट तो दे रही हूँ, बट वहाँ पर इसका हल या इसका कुछ ना कुछ तो लेकर आऊंगी, तो वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करने और उसका बेल बटन भी दबाएं। एंड यस बोनस कैटेगरी, कैटेगरी 4 तो मैंने आपको बताई नहीं, वो है मेरा DIY सनस्क्रीन, ये आपको ऑलरेडी, अब मजे की बात है ये बिल्कुल नॉन केमिकल सनस्क्रीन है और जेल बेस्ड सनस्क्रीन है, सारी स्किन टाइप्स के लिए अच्छा है, प्राइमर की तरह वर्क करता है, ग्लो सीरम की तरह वर्क करता है और सनस्क्रीन प्रॉपर्टीज भी हैं, और लगाने के बाद इतनी शाइन आती है। अब ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं तारीफ करूंगी, अगर आप ये मुझसे बाय करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा स्टोर jsuper.store पे आप खरीद सकते हैं, और पहले 100 बायर्स को मैं अच्छा डिस्काउंट दूंगी, एंड बहुत अच्छे से जज्ब हो जाता है, सेंसिटिव स्किन वगैरह के लिए अच्छा है। और अगर आप इसका DIY देखना चाहते हैं, मैं सेम रेसिपी तो नहीं बट इसका थोड़ा बहुत जुगाड़, सेम नहीं होगा, ये SPF 40-50 का है,
बट इसका थोड़ा जुगाड़ मैं DIY भी सिखा सकती हूँ। नीचे मुझे कमेंट्स बहुत सारे करना कि जे सुपरकॉर DIY सनस्क्रीन बनाओ, तो ये बहुत अच्छा है, ना ये फिजिकल है ना ये केमिकल है, ये बिल्कुल जेल बेस्ड हाइड्रोजन सनस्क्रीन है। नीचे बहुत सारे कमेंट्स चाहिए तभी मैं ये सनस्क्रीन बनाऊंगी आपके साथ शेयर। सनस्क्रीन कैसे लगाना है, आपको मॉइस्चराइजर के ऊपर लगाना है, इसका पूरा डेमो मैंने अपने नए चैनल सुपर ब्यूटी पे वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ, एक या दो दिन में वो वीडियो आ जाएगा, तो वहां पर प्लीज जाइए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बार में और सबसे पहला कमेंट है जो इस वीडियो के नीचे वहां पर मैं दे रही हूँ, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, एक दो दिन में वो वीडियो आने वाला है कि कैसे लगानी। प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप ऑलरेडी कौन सा सनस्क्रीन यूज कर रहे हो, आपको कौन सा सूट कर रहा है या कौन सा नहीं सूट कर रहा है वो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि इंडिया की जनता क्या ज्यादा यूज करती है, आप क्या ज्यादा डिमांड में। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलती है, नीचे कमेंट करके बता रहा अगली सीरीज में आपको क्या चाहिए वही बनाऊंगी। बाय, इट्स योर गर्ल जेसुपा साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल।